अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे और हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हम आए हुए हैं अल्हाज रेस्टोरेंट, तो ये देख सकते हैं आप, पूरी फैमिली इंजॉय करने आई है डिनर करने। अम्मी कैसा लगा है आपको? आयजल को तो दिखाओ, आयजल मम्मा मम्मा। ये देख सकते हैं आप, आयजल भी आज जो है फेस रिवील के बाद अब आपके हर वीडियो में शामिल होंगे। आप लोग देख सकते हैं आयजल को, और ये सामने ही अब्बू बैठे हैं, अंजा बैठी और फिरोज़ बैठे हैं, तो मैं इनको भी आपको दिखाती हूँ। और ये देख सकते हैं पीछे इन्वायरमेंट, आप लोग देख सकते हैं ये अल्हाज रेस्टोरेंट है। और आप लोग को मैं अब दिखाती हूँ और सबसे बात करते हैं घर वालों से, कैसा लग रहा है उन लोग को, कैसा लग रहा है शिरोज? बहुत अच्छा लग रहा है, हमने जगह चेंज करी है, वहाँ बैठे हुए थे हम लोग, आगे बैठ गए हैं, थोड़ा ठंडा है, एसी चल रहा है, वहाँ पर भी बहुत हो रही थी। और आज फाइनल भी है पाकिस्तान और श्रीलंका का, हमने पहले ही जश्न बना लिया है जीत का। सही, किसके साथ हो टीम के? पाकिस्तान। पाकिस्तान कैसा लग रहा है अंदर? अच्छा लग रहा है। और शेती को दिखाओ थोड़ा सा, गुड्डे को खड़ा करो। ये अब अब्बू को आयजल को देना, अम्मी जरा दोनों को साथ बिठाएंगे। शेजी शेजी नहीं ले रही, शेजी शेजी ये लो चमचा दिखाते हैं। शेजी बाबा शेजी जिंदगी आयजल आयजल ये बोतल और पानी और चम्मच के पीछे लगे हुए हैं बच्चे। आयजल पानी, आयजल को पानी चाहिए, शेजी को जो है चम्मच चाहिए। ये आप लोग देख सकते हैं शेजी और आयजल, ये अम्मी खिला रही हैं बच्चों को। और अब खुद देखो आयजल में लगे हुए हैं, उनके स्लीप सही कर रहे हैं शेजी, यहाँ मस्तियाँ कर रहे हैं नानों के साथ, दादों के साथ। और आयजल नानों को देख रही है, बोतल पे आयजल की नजरें हैं। कैसा लग रहा है अब्बू यहाँ के, आज आप यहाँ लेकर आए हो? बहुत अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह से ठंडा लग रहा है, गर्मी बहुत थी और कम में तो चलो माशाल्लाह से एंजॉय हो सके आप लोग। सही, अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, हमने ऑर्डर कर दिया है और ऑर्डर क्या करा है वो भी आप लोग देख लेंगे जब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना है, मेरी फैमिली आपको कैसी लग रही है और कमेंट्स में इंजॉय कर रहे हैं आप लोग ब्लॉग, तो कमेंट्स में लाने बताना है। ये पानी पहले हाथ दिया था तो बच्चों की वजह से हम सारी चीज़ें ऐसे साइड पर लगा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ बच्चों की वजह से। और ये देख सकते हैं अम्मी बच्चों की पहुँच से चीज़ें दूर कर रही हैं, बस यही चल रहा है यहाँ पर। अम्मी की नज़रें बच्चों पर ही हैं और चीज़ें साइड करने पर हैं, अम्मी ने सारी चीज़ें यहाँ लगा दी हैं। तो आप लोगों ने बताना है, एंजॉय कर रहे हैं व्लॉग, व्लॉग को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, खाना भी आएगा तो मैं उसकी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये अल्हाज का मेन्यू कार्ड था जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, अगर यहाँ कोई आने का सोच रहा है तो आप लोग इसको जो है रोक के देख सकते हैं वीडियो को, इनमें लिखी हुई हैं सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। अच्छा मेन्यू इनका, बहुत बड़ी रेंज है इनके पास आइटम्स की, ये देख सकते हैं आप लोग। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये रेस्टोरेंट, आप लोग बताना है आप लोगों को कमेंट में वीडियो देख के इन्जॉय किया नहीं किया, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और जो है आपको आगे की अपडेट मिलती रहेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना है। यहाँ हम बैठे हुए थे तो अब वो अपना जो है किस्सा सुनाने लगे सुबह का, कि वो आए थे किस तरह। वहाँ से मैं रीगल से कोई गाड़ी नहीं आती है, ठीक है, नुमाइश तक तो तिब्बत सेंटर आना पड़ता है। फिर मैंने वहाँ से रक्षा किया, रक्षे में फिर मैं वहाँ आया नुमाइश, रक्षे में मैं जब नुमाइश आया को आप रक्षे में जब मैं नुमाइश उतरा, उसके बाद जब मैं नीचे ग्रीन बस के स्टेशन पे नीचे जब गया हूँ तो आप यकीन नहीं मानेंगे इतनी लंबी लाइन थी कि जैसे यहाँ से लेके मतलब अलहाज अख्तर से लेके और यूपी मोड़ तक इतनी लंबी मतलब लाइन थी, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक लाइन ऐसी थी जो सिर्फ फैमिलीज की थी, तो एक कोई बच्ची घड़ी की गोद में नहीं है, मतलब अच्छी सी बच्ची थी चट पड़ गई थी और स्कार्फ आनी थी, वो खड़ी हुई थी तो मैं उनके पास उनके बराबर में खड़ा हो गया। तो मेरे को गार्ड आया, गार्ड ने पूछा कि आप ये आपके साथ हैं? मैंने कहा जी मैं रहिए मेरी घर में मतलब फैमिली के साथ हूँ, तो मेरी थी, मैंने कहा ये मेरी बेटी है। तो फिर इतने में दोबारा फिर गार्ड जब गाड़ी आई तो गार्ड दोबारा करे ऐसे कहे आप मतलब ये कि आप लोग इस गेट से जाइएगा, तो फिर उन्होंने आके पूछा ये आपके साथ है? तो उन्होंने कहा जी मेरे पापा हैं ये बच्ची ने आया। फिर मैंने गाड़ी में बच्ची को पहले बिठाया, फिर मैं भी खड़े रह जाते। वाह
वरना मम्मी वरना खड़े रह जाते पाँच गाड़ियों के बाद नंबर आता है, रात को आते पाँच गाड़ियों के बाद नंबर आता है इनका। 700 लोग के 700 लोग लाइन में 700 जेंट्स उस पर, मतलब जो ग्रीन बस होती है 70 सीटर रही है, 70 को ये मतलब इंटर करते हैं। ये आपने सुनी अब्बू ने स्टोरी बताई कि अब्बू सदर से आ रहे थे तो उनके साथ क्या सीन हुआ, इस तरह अब्बू का जल्दी नंबर आ गया, तो आप लोग भी यही करें, ये आइडिया को फॉलो करें तो इससे आपका भी नंबर जल्दी आ जाएगा। और आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय करना है। और हमारा मेन्यू आ चुका था, जो हमने ऑर्डर दिया था वो आ गया था, तो मैंने कहा क्यों ना अब आप लोग के साथ शेयर करूँ मैंने हमने क्या क्या ऑर्डर किया था। तो ये देख सकते हैं हमने जो ऑर्डर की थी, ये चिकन ग्रिल टिक्का मसाला था, कढ़ाई के अंदर जो था रोटी थी सिंपल वाली, गार्लिक नान थे, कढ़ाई थी, ब्रोस्ट था और राइस थे, बिरयानी थी। देख सकते हैं ये गार्लिक नान थे, मेरे मोस्ट फेवरेट है। और ये चिकन का जो ये ग्रिल टिक्का मसाला है, ये बहुत VIP, बहुत बहुत 10 out of 10 दूंगी मैं इसे, जिसने भी जाना है ट्राई ज़रूर करना है। और उसके बाद ये बिल आ गया था और हम लोगों ने खाना खा लिया था। आए पूछते हैं सबको खाना कैसा लगा, तो शेरोज से स्टार्ट करते हैं। तुमने कोल्ड ड्रिंक पिए ना? बहुत गलत बात है शेरो, बहुत गलत बात है, थोड़ा सा पीऊंगी। कैसा लगा? अच्छा लगा। शाहजीन ने क्या क्या करा? रायता गिराया। अम्मी तो हमने यहाँ खाना खा लिया है और बहुत मज़ा आया। और बच्चों ने थोड़ा बहुत तंग किया, शाहजहाँ ने तो देखकर आया था फेंका और बहुत कुछ किया बच्चों ने, लेकिन ये है कि अभी संभल गए हैं बच्चे। और ये देख सकते हैं अम्मी जो है तैयारी करनी है जाने की। अम्मी अब क्या खाओगी? ये टेबल कौन हिला रहा है? अब हम यहाँ से जा रहे हैं, अब बोले चलो चले, अब चले। अब हम जा रहे हैं, तो आपने ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। और फिर जब ये बाहर निकले तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मैच के लिए लोग जमा थे, क्योंकि लोगों को मैच देखना होता है, कहीं भी दिख जाए बस सब जमा हो जाते हैं। और ये रेस्टोरेंट के बाहर ही इन्होंने LED लगाई हुई थी, जिस पर ये सब लोग मैच देख रहे थे। अब्बू भी यहीं पे थे और शेरोज़ भी यहीं पे था, आगे की साइड पे खड़ा हुआ था। फिर हम जब बाहर निकले हमने कहा चलो अब घर चलते हैं, आ जाओ बस बाकी मैच घर पर देख लेना। फिर इस तरह से देख सकते ये रेस्टोरेंट था और बस बहुत इंजॉय किया, मज़ा आया। और आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है।